मोहसिन जब छोटा था और मैं थ्री क्लास में थी तो मोहसिन ने मुझे बनाया और पाकिस्तानी महंगा हो गया थैंक यू सो मच अभी का जो व्लॉग है मैं स्टार्ट कर रही हूँ यहाँ से जो कि मैंने कल आ, एंड किया था तो अभी यहाँ से हम मैं स्टार्ट कर रही हूँ अभी जा रही हूँ ग्रोसरी करने के लिए तो देखते हैं क्या लेती हूँ छोटी मोटी चीजें लेनी है ज़्यादा तो मैंने कुछ निकल रहे हैं है। और वहीं से फिर मैं चली जाऊंगी मम्मा की तरफ क्योंकि आज है सैटरडे तो सैटरडे को जो है हम मम्मा की तरफ जाते हैं और ये वाला व्लॉग आपको मिलेगा संडे वाले दिन लेते हैं ये वाला परफ्यूम मुझे बहुत पसंद है जो कि मैंने लिया था आउट से तो ये भी लगा लेते हैं यहाँ पे खुशबुए बहुत पसंद है मुझे ये बहुत ज्यादा जो मानो बिली है ना ये अभी मैं जा रही हूँ तो मुझे बड़े गौर से देख रही है कि मैं कहाँ पे जा रही हूँ है ना मैं तो जा रही हूँ और इसका भी फेस भी काफी गंदा हुआ है धूप निकले तो जिसको शावर दूंगी अभी बस एहतियात कर रही थी कि सर्दी बहुत ज्यादा कोबोट है इसकी आइस बहुत प्यारी है तो बस जही भाई अब हॉर्न कर रहे हैं निकलते हैं चलते हैं चलो सोचो शाबाश i <laughs> you और जी बस यहाँ पे इम्तियाज़ शॉपिंग मॉल जो है हम आ चुके हैं और यहाँ पे हम कुछ वेजिटेबल्स ले रहे हैं जैसे कि धनिया हरी मिर्च प्याज और गोभी जो है बहुत अच्छी आई हुई थी तो मैंने गोभी भी ले लिया यहाँ पे तो आलू गोभी बनाऊँगी वैसे तो गोभी कीमा गोभी गोश्त जो है ज़्यादा मज़े का वक्ता है आपके घर में सबसे ज़्यादा क्या पकाया जाता है आलू गोभी गोभी गोश्त या फिर गोभी कीमा गोभी कीमा जो है बहुत कम लोगों को इस रेसिपी का पता है जहाँ तक मुझे पता लगा है क्योंकि मैंने अमूमन जब भी कभी किसी से पूछा है तो वो जो कहते हैं गोभी गोश्त का पता है गोभी कीमे का नहीं पता तो क्या आपके घर में गोभी किस में ज़्यादा शौक से खाई जाती है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा तो बस जल्दी जल्दी जो है हमने ग्रॉसरी की थी और उसके बाद जो है ग्रॉसरी हम लोग घर रख कर सेट करके फिर हम जाएंगे मामा की तरफ़ और मामा के घर जाकर मैंने कोई भी वीडियो क्लिप जो है नहीं बनाई थी सर्दी बहुत ज़्यादा हो रही थी तो बस हम सब बैठ के बातें शाते कर रहे थे हेलो जी अस्सलाम वालेकुम गुड मॉर्निंग कैसे हैं आप सब लोग अल्लाह पाक का शुक्र में बिल्कुल ठीक ठाक आप सबकी दुआओं से आप सब कैसे हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा तो जो फ्रेंड्स अभी टाइम है मॉर्निंग का यानी कि बारह बज रहे हैं वैसे मॉर्निंग दोपहर तो हो गई है अभी हम सो के उठे हैं <coughs> उठते साथ ही मैंने पूरे घर की सफाई की है अपना <coughs> सॉरी रूम सेट किया है और किचन में जा रही हूँ मैं नाश्ता बनाने के लिए जेम गए हैं नान लेने के लिए आज दिल कर रहा था बुनावा अंडा साथ में फ़्राई नान खाने पे जो कि हम लाहौरी जो है ये वाला नाश्ता बहुत शौक से करते हैं अक्सर तो अभी चलते हैं किचन में साथ साथ नाश्ता बनाते हैं और साथ साथ पाते करते हैं कभी कभार बचपन की बहुत ज़्यादा याद आ रही होती है और मुझे ऐसा लगता है कि आपको जब भी कभी बचपन की याद आए तो आपको वो चीज़ बनाकर खानी चाहिए या आपको उस जगह जाना चाहिए जहाँ पे आपकी बहुत सी यादें हों तो ये जो मैं अंडा बना रही हूँ भुना हुआ अंडा बचपन में आ, जब समर वेकेशन जाते थे तो मेरी मम्मा क्या करती थी कि हम तीनों बहन तब यानी कि हनी मोसिन और मैं साथ हमारा भाई आदम तब दानियाल नहीं होता तब मैं तब की बात बता रही हूँ तो मम्मा क्या करती थी कि ये वाला भुनावा अंडा और साथ में नान जो है फ्राई करके हमें देती थी साथ जाए तो वो बचपन का जो टेस्ट है ना वो याद इतनी ज़्यादा मुझे आ रही थी कि मेरा दिल किया कि मैं ये वाला अंडा बना कर खाऊँ और साथ में हाफ फ्राई सॉरी हाफ़ फ्राई कह रही हूँ साथ में नान जो है उसको फ्राई करूँ और जी यहाँ पे नान भी जो है मेरा फ़्राई हो गया है ये मैंने फ़्रेश नान मंगवाए थे अगर आपके पास रात वाले नान बच गए अक्सर होता है कि हम सैटरडे को कोई दावत वग़ैरह घर में करते हैं सैटरडे नाइट पे तो मॉर्निंग में समझ नहीं आ रहा होता हम क्या खाएं तो नान बच जाते हैं तो आप उसको इस तरह से फ़्राई करके जो है खा सकते हैं अंडे बना दें अगर रात का कोई कौरमा है कोई सालन है कुछ भी इसी तरह मुझे कुछ दो दिन पहले जो मैंने व्लॉग अपलोड किया था उससे मुझे किसी ने कमेंट किया आपके हस्बैंड जो है नाश्ते में चिकन खा रहे हैं एक्चुअली टाइम जो है बारह बजे का था तो एक बजे तो वैसे ही खाने का टाइम हो जाता है इसीलिए मुझे जैम ने बोला कि मुझे चिकन ही फ्राई कर दो और वरना मुझे ये था पहले कि मैं खाना बना लूँ और जैम ने मुझे कहा कि नहीं आप मुझे चिकन फ्राई कर दो मैं बस वही खा लूँगा तो यहाँ पे जी अब मैं बना रही हूँ चाय और नाश्ते के साथ ही जो है ना जईम को चाय भी, भी पीनी होती है वरना जहीम तब तक नाश्ता नहीं करते जब तक जईम के पास चाय ना हो और अभी हम आ गए हैं बाहर लॉन में बहुत ही अच्छा वेदर हो रहा था बादल आ गए हुए थे एक्चुअली पहले धूप निकली हुई थी हम धूप लेने के लिए बाहर आए और मुझे जईम ने बोला कि आ, बारिश होने वाली है चलो आओ बाहर चलते हैं थोड़ी सी धूप ले लेते हैं फिर तो पता नहीं कब धूप निकले <laughs> और जब भी हम लोग ग्राउंड में आए थे और मुझे जहीम ने पहले ही बता दिया था कि आज तीन बजे बारिश होगी उठाए थे वहाँ से नहीं और ऐसा ही हुआ कि अभी हम लोग लॉन में थे यहाँ पे आके बैठे हुए थे और बहुत तेज बारिश स्टार्ट हो गई है मैं आपको क्या बताऊँ शायद आपको नजर आए मैं आपको दिखाती हूँ और मेरे टावल हैं बाहर कपड़े शुक्र अल्लाह का मैंने उतार लिए थे बता दिया था कि तीन बजे बारिश होनी है कपड़े उतार लो थैंकोड so जूती बहुत गंदी हुई हुई है इसको साफ हाँ जी और पाकिस्तानियों कैसा लगा पेट्रोल महंगा हो के पेट्रोल वाकई महंगा हो गया कितना महंगा हुआ पेट्रोल आ, 35 रुपए पहले कितना था 215 था था अब 260 रुपए का हो गया अल्लाह पहले 215 का पेट्रोल था अब 260 का हो गया देन प्लीज शूज़ अपने ना वो तो ठीक है लेकिन चाबी आपके पास चाबी मेरे पास है बंद क्यों किया? पेट्रोल बहुत ज्यादा महंगा हो गया पाकिस्तान में मैं तो कह रही मेरी भी गंदी है और जब भी सब काम हो गए हैं और थ्री थर्टी हो रहे हैं बाहर बारिश हो रही है इस टाइम और अब मैं बैठ के थोड़ा सा रेस्ट करूंगी और उसके बाद छह सात बजे तक जो है ना मैं रात का खाना बनाऊंगी ये बनाऊंगीटर ऑन कर दे सर्दी बहुत ज्यादा हो गई है तो 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 जी अब मैं यहाँ पे थोड़ी देर लेट के रेस्ट करूंगी और बारिश बाहर इस टाइम बहुत तेज बारिश हो रही है और जईम बता रहे हैं कि और तेज अभी होनी है रात आठ बजे तक होगी बारिश तो सिर्फ ट्रेलर था कह रहे हैं ये तो सिर्फ ट्रेलर था और इससे भी ज्यादा और तेज होगी आप आगा अच्छी, आगा बात अच्छी बात है क्योंकि बारिश का होना अच्छी बात है इससे जो भी लोगों को बीमारियां लग रही हैं टेम्परेचर फ्लू गला खराब उससे एटलीस्ट छुटकारा मिल जाएगा हम लोगों को और बारिश हो रही होगी और हम चने वाला पुलाव भी खा रहे होंगे हाँ आज हम बनाएंगे चने वाला पुलाव आज जईम ने बोला है की आज अपने हाथ से चने वाला पुलाव बनाकर खिलाओ तो बस हम वो रेडी करेंगे छह सात बजे बनाऊंगी मैं चने मेरे पास बॉइल थे जो की मैंने निकाल के रख दिए हुए हैं अब सिर्फ सिर्फ पकाने हैं सिर्फ पकाने पकाना भी एक काम होता है ठीक है <laughs> तो चलिए अभी मैं बैठ कर थोड़ी सी कोई मूवी देख लेती हूँ कोई सीरीज वगैरह देख लेती हूँ नेटफ्लिक्स पे अच्छा आज ना मैं अपने ड्रॉ वगैरह जो है नीट कर रही थी कुछ मेडिसन वगैरह बास्केट में डाल रही थी निकाल कर जो यूज़ हो गई उनको फेंक रही थी और जो रहती थी उनको कट करके जो है बास्केट में डाल रही थी तो ये वाला जो है ना मैंने जिसके अंदर मुझे रेगुलर मेडिसन होंगी जैसे मेरी सिरप है पैराडोल हो गई डिस्प्रिन हो गई इस तरह की मेडिसिन है तो बस ड्रॉ खोलते खोलते मुझे एक चीज़ नज़र आई जो कि मोहसिन जब छोटा था और मैं थ्री क्लास में थी तो मोहसिन ने मुझे जो है एक ब्रेसलेट ये गिफ्ट की थी, थी तो ये तब से अब तक मेरे पास है मैं थ्री क्लास में थी और मोहसिन टू क्लास में था तो आप ये देख सकते हैं ये आज तक मेरे पास है मैं चीज़ें बहुत ज़्यादा संभाल के रखती हूँ स्पेशली गिफ्ट उसको ये अच्छा लगा बाजार गया हुआ था हम ना कैचर मंगवाते थे जो बालों में चुटकी लगाते हैं ना हम वो मोसिन से मंगवाती थी मैं और हनी और वो हमारी हर पाँच छह दिन बाद टूट जाती थी तो तब वो आती थी पांच रुपए की दस रुपए की इतने का जो है ना वो कैचर आता था तो हम मोहसिन को भेजते थे जाके वो कैचर लेकर आओ उनको ना जब वो कैचर हमारे लिए लेने जाता था तो कोई ना कोई चीज जब पसंद आती थी ना उसको तो फिर वो अपनी पॉकेट मनी से जो है ना हमारे लिए ले आता था तो ये मौसी ने मुझे ये ब्रेसलेट ला कर दी थी और ये देखे आज तक वैसी की वैसी ही अभी है और अभी जो है ना इस तरह मैं पहन के अकेडमी जाती थी ये ये देखे कितनी अच्छी लग रही है ना <laughs> तो गिफ्ट की कदर भी करनी चाहिए कुछ लोग गिफ्ट लेने के बाद बहुत बातें करते हैं और आपको बहुत डिग्रेड करते हैं कि ये क्या दिया गिफ्ट हमेशा इंसान अपनी हैसियत के मुताबिक देता है और किसी से भी गिफ्ट लेने के बाद उसकी दिलेज़ारी नहीं करनी चाहिए पसंद नहीं आया तो भी कहना चाहिए कि बहुत अच्छा है और अगर पसंद आ गया है तो उसको पहन कर इस्तेमाल करके उसको बताना चाहिए कि आपने जो दिया था वो बहुत अच्छा था हमें वो पसंद आया यहाँ पे मैं अब आ गई हूँ किचन में चने वाला पुलाव बनाने के लिए और चने वाला जो पुलाव है हम दोनों मियाँ बीवी का मोस्ट फेवरेट है और इसके अलावा जो चने हैं ना वो मैंने पहले से बॉईल करके रखे हुए थे मैं क्या करती हूँ ब्लैक चने हो वाइट चने हो उसको फ्रीज करके उतनी क्वांटिटी में सेव कर लेती हूँ जितनी क्वान्टिट्टी में मुझे पकाने होते हैं तो बस यहाँ पे प्याज़ को फ्राई कर लिया उसके अंदर जो है पानी डालकर तड़का बना लिया और फिर उसके अंदर जो है लहसुन अदरक की पेस्ट ऐड कर दी और आप लोग तो मेथड देखते जा रहा है कैसे कैसे ये बन रहा है इस तरह से जब बनता है तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है इसका टेस्ट खाने में कल मैंने व्लॉग इसलिए अपलोड नहीं किया था क्योंकि पहले वाले व्लॉग पे मेरे व्यूज़ ही नहीं आए थे जबकि मैंने उस व्लॉग पे इतनी अच्छी मेहनत भी की थी और इतना अच्छा मैंने व्लॉग भी बनाया था व्लॉग तो है हर, हर आ, कोई भी हो मेहनत से ही बनता है लेकिन मैंने एक बात नोट की है हम जब जिस व्लॉग पर बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं और हम लोग एक्साइटेड होते रहे यार इसके ऊपर तो बहुत अच्छे व्यूज़ आएंगे और उसके ऊपर ही व्यूज़ नहीं आते और जिसके ऊपर हम कोई मेहनत नहीं करते बस एम ही लगा देते हैं कि चलो यार बस लगा दो लगना ज़रूरी है उसके ऊपर बहुत अच्छे व्यूज आते हैं तो यहाँ पे जी इसलिए मैंने कल थोड़ी सी दिल नजारी हुई हुई इसलिए मैंने व्लॉग नहीं लगाया खैर आज है मेरे भाई दानियाल की बर्थडे तो जी आई होप कि आप सब कमेंट बॉक्स में दानियाल को बर्थडे विश करेंगे ये हमारा भाई सबसे छोटा है और जब ये हुआ था तो हम बहन भाइयों को जो है ना एक खिलौना मिल गया था हमने अपने इस भाई का बहुत लाड किया हुआ है बल्कि इसका नहीं अपने तीनों भाई का ही हम दोनों बहनों ने बहुत ज़्यादा लाड किया हुआ है और हम दोनों बहनें भरी थी और बहुत ज़्यादा हमने अपने भाइयों की केयर की हुई है हम किसी फंक्शन पे जाते थे इनका ख्याल रखते थे पीछे पीछे रहते थे मम्मा को फिक्र ही नहीं होती थी मम्मा को पता होता था कि मेरी बेटियां हैं देख लेंगी तो बहनें जो हैं भाइयों से बहुत ज़्यादा प्यार करती हैं तो आज मुझे सुबह एक कमेंट आया मैंने अपने भाई को जब कम्युनिटी पोस्ट के ऊपर जो है विश किया और बहुत ही अखलाकियात से गिरा हुआ वो कमेंट था और उस कमेंट के अंदर जो है बहुत बेहूदगी वाली गुफ्तू की गई थी मुझे लेकर बहुत ज़्यादा बहुतानबाजी लगाई गई उसके ऊपर आ, मैं जानती हूँ मेरा अल्लाह जानता है और मेरी गवाही अल्लाह देगा रोज़े क़यामत उन लोगों को जो कमेंट बॉक्स में आकर इतनी ज़्यादा बेहूदगी वाले वर्ड्स लिखते हैं मैं उनको यही बोलूँगी कि आप जो भी बोल रहे हैं ना वो इन आपके आगे आएगा और कोई भी बहन अपने भाई का जो है ना घर ख़राब नहीं करती जो मुझे कमेंट में बोला जाता है और कहा जाता है ना और घर एक औरत ही अपना खुद आबाद करती है और उसको जो है ख़राब भी वो औरत खुद ही करती है कोई भी रिश्ता किसी भी रिश्ते को तबाह बर्बाद कर ही नहीं सकता एक औरत के हाथ में होता है उसने बसना है कि नहीं बसना रही बात मैंने ऐसी औरतें भी देखी हैं जिनके ऊपर इतना जुल्म हो रहा होता है उनको पहनने को कपड़ा नहीं दिया जाता खाने को रोटी नहीं दी जाती लेकिन उसके बावजूद वो ऐसे मर्द के साथ ज़िंदगी गुजार देती हैं जो नशे ही होता है शराबिया होता है जवारिया होता है लेकिन फिर भी वो सिर्फ अपना घर बसाने के लिए इतना ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ करती हैं ये होती है औरत और ये जो आज के दौर में जो औरतें अपना कहती ना कि हम इतना कमा लेते हैं हम ये कर लेते हैं हम वो कर लेते हैं ये उन और, ये वो औरतें वहाँ से जो है इम्प्रेस होकर ऐसी गुफ्तु कर रही हैं वो जो औरतें नहीं निकली हुई आज कल मेरा जिसम मेरी मर्ज़ी ये उनसे इंप्रेस होकर ऐसी गुफ्तु करती हैं वो अलग बात है कि वो कपड़े उतार कर रोड पर नहीं आ सकती लेकिन ये वाले काम वो उन्ही से इंप्रेस होकर ही कर रही हैं आज के दौर में वरना हमारे जो बड़े हैं वो हमेशा औरत को घर बसाने का ही बोलते हैं ये गुफ्तु मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि आज बहुत बेहूदा गुफ्तु आकर मेरे कमेंट बॉक्स में की गई मैं अपने जब भी किसी भाई को बर्थडे विश करती हूँ और हमेशा आकर ऐसी ही गुफ्तगू की जाती है और साथ में जो मुझे उलाद के ताने दिए जाते हैं ना तो मैं यही बोलूँगी कि जो भी मुझे आकर उलाद का ताना देता है मुझे तो इन दे देगा क्योंकि वो वो बहुत बहुत मोहब्बत करता है अपने बंदे से सत्तर माओ से ज़्यादा जो है मोहब्बत अल्लाह करता है अपने बंदे से तो आपको अपनी फिक्र करनी चाहिए जिनके पास बच्चे हैं जो बच्चे होने के बावजूद मुझे ताने दे रहे हैं ना वो अपनी फिक्र करें क्योंकि मैंने ऐसे ऐसे लोगों को भी देखा है जिनके हाथों में बच्चों की जान निकली है तो अल्लाह पाक से मैं यही दुआ करूंगी कि अल्लाह पाक आप क्या किया आपके बच्चों के आगे ना आए वरना अल्लाह अगर आपका है तो अल्लाह मेरा भी है अल्लाह हाफिज़